गुड मॉर्निंग प्लेयर्स। हाँ, ये कौन था? मम्मी, आज जब मैं सोकर उठी तो किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग प्लेयर्स बोला, और जबकि मेरे रूम में कोई भी नहीं था। इनकी बेटा वो टॉकिंग एंजेला है। हाँ, टॉकिंग एंजेला। हाँ, जरा अपने सर के ऊपर देखो। हाँ, पर मम्मी ये है कौन और ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा, गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए टॉकिंग एंजेला को बनाया है, और ये हम सबकी लाइफ कंट्रोल करेगी, और हम सबको वही करना पड़ेगा जो टॉकिंग एंजेला बोलेगी। पर एक बात का ध्यान रहे, जब वो डू दिस बोले सिर्फ तभी तुम्हें वो काम करना है, पर अगर वो डू दैट बोले तो तुम्हें वो काम बिल्कुल नहीं करना है, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तो मिंकी, क्या तुम समझ गई? हाँ मम्मी, मैं समझ गई। रिया, क्या है मिंकी? उसने कहा कि चक्कर लगाओ। नहीं तो उसने डू दैट बोला था। नहीं, उसने डू दिस बोला था। अब जल्दी करो। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। हो गया। रिया, तुम्हें टॉकिंग एंजेला की बात ध्यान से सुननी होगी। तुम मौत को तक से छू के वापस आई हो। रिया। हाँ मिंकी। क्या वो तुम थे जिसने भी 3 बार क्लैप किया? हाँ। नहीं। Hey, मैंने सुना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ क्या हुआ। आई एम सो सॉरी। थैंक्स, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ओह, उसका दिमाग पत्थर करता। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो इस गेम में इतनी आगे तक आई भी कैसे। नहीं, ऐसा मत करना। उसने डू दैट कहा है। ओह शिट, का तुम्हें लगता है कि उसने मुझे देख लिया होगा? आई थिंक उसने तुम्हें देख लिया। कोई फ्रीज मत होना, उसने डू दैट कहा है। जल्दी से सब भागो। हम पिछले कई घंटों से दौड़ रहे हैं, अब मुझसे और नहीं होगा। कम ऑन गाइस, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें भागते रहना होगा। क्यों? ताकि वो हमें ऐसे ही टॉर्चर कर सके। हाँ, आखिर इन सब का फायदा मेरा क्या? मेरा पैर बहुत दर्द है। क्या उसने डू दिस बोला या डू दैट? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना। क्या तुम्हें से किसी ने नहीं सुना कि उसने क्या बोला? क्या तुमने सुना? नहीं भाई, मैंने तो नहीं सुना। तो अब हम क्या करें? वेल, मैं तो अब रुक रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, अब मैं भी रुक रहा हूँ। टॉकिंग एंजेला, क्या प्लीज तुम एक बार रिपीट कर सकती हो जो तुमने कहा? जरूर उसने डू दिस ही कहा होगा, क्योंकि जितने लोग पे भाग रहे थे वो सब मारे गए। गाइस, तुम लोगों को थोड़ा शांत रहना होगा, अभी तुम लोगों की वजह से हम सब मारे गए होते। क्या, हमारी वजह से? हाँ, अगर तुम लोग बकबक ना कर रहे होते तो शायद ये सब उसे सुन पाते, और हमारी आधी क्लास मारी नहीं गई होती। ये इतनी तेज तेज क्यों बोल रही है? क्या ये कोई स्पीड राउंड है? अंजलि, क्या तुम चाहती हो कि थोड़ी देर पहले जो हुआ फिर से होए? किसने मेरे नाक में उंगली डाल दी? सॉरी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। वेल, हमें से किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए इधर उधर भटकने से अच्छा कि तुम किसी जगह बैठ जाओ और अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। अगर इसने जल्दी हमारी आँख नहीं खुलवाई तो हम सारी की सारी रात यहीं फंसे रह जाएंगे। ये क्या था? क्या तुम लोगों ने भी वो सुना जो मैंने सुना? क्या वो एक भालू की आवाज थी? कोई भेलना मत, उसने डू दैट कहा है। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा है, मैं खुद को एक भालू का शिकार नहीं बनने दे सकती। हाँ, मैं भी नहीं। कहाँ है वो भालू? कहाँ गया वो? तो मिंकी बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत बुरा। इस टॉकिंग एंजेला ने बीच रास्ते में हमारी आग बंद करवा दी, और हम सब बस एक भालू का शिकार बनने ही वाले थे। क्या, एक भालू? सच में? और वो भी हमारी सिटी में? मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, सच में। हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो, और वैसे भी आजकल लोग जागते जागते भी खर्राटे लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन सब ने भी उसकी आवाज़ सुनी थी। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। खैर, अच्छी बात तो यह है कि वेंसडे को तुम इस गेम से ग्रेजुएट कर लोगी। मुझे पता है, और मैं बस इसी होप के साथ ये गेम खेल पा रही हूँ, वरना ये गेम मेरी जान ले रहा है। ओ कम ऑन मिंकी, तुम बहुत नौटंकी करती हो, ये गेम इतना भी बुरा नहीं है। ओ कम ऑन मम्मी, मेरे आधे से ज्यादा क्लासमेट मारे जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये गेम सेम वैसा है जब आपने इसे अपने टाइम पर खेला था। अगर तुम कहती हो तो ठीक है बेटा। क्या, पर मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। हेलो पिंकी, क्या तुम्हें भी इतनी रात तक जागने में दिक्कत हो रही है? पूछो मत, ये सरासर एक टॉर्चर है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल कर लूँ और हम बात करते रहें, ताकि हम गलती से भी सोए ना। कॉल करने के लिए थैंक्स। ताकि अब हम सो सके? वेल, अब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्कूल जाना है। क्या कल रात तुम में से कोई सोया? वाह आयशा, तुमने कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर हमें से कोई सोया होता तो क्या हम तुम्हें यहाँ दिख रहे होते? लगता है सारी रात जागने की वजह से आयशा का दिमाग सनक गया है। हाँ,
हमें से किसी भी ने ऐसा नहीं किया। गाइस हम सब तो इस गेम में प्रो होते जा रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग आसानी से इस गेम में ग्रेजुएट कर लें। आई विश ऐसा। ये क्या हुआ, आयशा को मारा क्यों गया? क्योंकि उसने अपनी उंगली को अपने कानों से हटा दिया था। टॉकिंग एंजेला ने हमें रुकने के लिए नहीं बोला था, इसलिए आयशा का गेम ओवर। तो मिंकी तुम्हें क्या लगता है हमारे क्लास में कितने बच्चे बाकी हैं? I'm 69. Oh my God, और हमारी क्लास में तो 420 बच्चे थे ना? हाँ, बस दो दिन और हमें इस टॉर्चर को झेलना पड़ेगा। क्या हुआ मिंकी, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने डूदस बोला है। क्या? हो गया, उसने बस किस करने को बोला, उसने ये तो नहीं बोला कि हमें किसी और को किस करना है। सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुमने मुझे किस करने की सोची भी कैसे? नहीं तो मैं तो बस जिंदा रहना चाहता था। हाँ क्यों नहीं। हाँ मिंकी, हैप्पी ग्रेजुएशन डे। फाइनली मुझसे अब और इंतजार नहीं होता इस गेम से छुटकारा पाने का। मुझसे भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता जो ये कुछ घंटे बचे हुए हैं इस गेम को खत्म होने में, इसमें हमें कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया जाएगा? आई थिंक टॉर्चर वर्ड इस गेम के लिए बहुत छोटा है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस गेम के बाद लाइफ कैसी होगी। सुकून भरी ऑब्वियसली। बस मुझे उस क्लास के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें ये गेम कुछ और साल तक खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मैंने सुना है कि क्लास ए ने ऑलरेडी 70 स्टूडेंट्स को खो चुका है। सच में? हाँ, वो इस गेम में बहुत बेकार है। वो इस गेम में ऐसे हारे हैं जैसे सांप सीढ़ी में सांप से डसे जाना। मुझे वॉमिट हो जाएगी। फाइनली ग्रेजुएशन होने में सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है। गाइस हमने एक कर दिखाया, हमने इस गेम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हाँ ये क्या बकवास है? क्या हुआ मिंकी, क्या तुमने सुना नहीं टॉकिंग एंजेला ने अभी क्या बोला? उसने कुछ भी तो नहीं बोला, वो तो जा चुकी है। क्या तुमने नहीं सुना कि उसने क्या बोला? क्या तुमने इस बार उसे सुना? नहीं मिंकी, वो यहाँ से जा चुकी है। मिंकी तुम ये क्या कर रही हो, वो गेम ओवर हो चुका है। मुझे नहीं पता, ये मुझे अभी भी कमांड दे रही है। क्या सच में? पर ये हमें तो कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है, तो अब मैं क्या करूं? मिंकी तुम्हें अब इस गेम को और खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से एक बार जब तुम ग्रेजुएट कर लो तो तुम्हें इस गेम को खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या मिंकी अब तुम अपनी पूरी लाइफ इस गेम को खेलती रहोगी? नहीं, तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे अब इस गेम को और नहीं खेलना चाहिए। रूल्स आर रूल्स। क्या वो तुमसे अभी भी बात कर रही है? नहीं मिंकी ये मत करो। हाँ गाइस मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब इसे और नहीं खेलना पड़ेगा। हाँ गाइस ये मैं कहाँ हूँ? न्यू लीडर। तो मुझे इन लोगों को कुछ करने के लिए बोलना पड़ेगा? Exactly. और इन्हें वो करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, इनका गेम ओवर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। डू दिस।